सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएससी हवलदार रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। मैंने आपको एसएससी एमटीएस और हवलदार की रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी है। अब दोस्तों, सवाल ये बनता है कि ये जो एसएससी हवलदार की पोस्ट है ये क्या होता है, क्योंकि पहले कभी एसएससी हवलदार की पोस्ट सुनने में नहीं आया था। तो बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि सर एसएससी हवलदार क्या होता है, एसएससी ये जो हवलदार की रिक्रूटमेंट करवा रहा है ये कौन से डिपार्टमेंट के लिए करवा रहा है, हवलदार को क्या काम करना पड़ेगा यानी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, ड्यूटी टाइम क्या रहेगा, क्या सैलरी मिलेगी, क्या ये जॉब एमटीएस से अच्छी पोस्ट है, क्या ये पुलिस कांस्टेबल से अच्छी पोस्ट है, और किस तरह का वर्क नेचर रहेगा, और किस तरह से प्रमोशन होगा, क्या इसमें ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी, प्रोबेशन पीरियड रहेगा या नहीं रहेगा, और बाकी जो फैसिलिटीज मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन तमाम सवालों के जवाब में इस वीडियो में देने वाला हूं। काफी लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या इस जॉब के लिए लड़कियां भी आवेदन कर सकती है, क्या ये गर्ल्स के लिए भी सूटेबल जॉब है। तो इस वीडियो सेशन में मैं आपको डिटेल से हर एक पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आपको हर तरह की डिटेल्स मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी ने ये जो हवलदार की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें आपको पता होना चाहिए 3603 पोस्ट रहने वाली है, तो वैकेंसी काफी अच्छी है। और ये ग्रुप सी की पोस्ट है, पहले ये ग्रुप डी में कंसीडर की जाती थी लेकिन अब इसको ग्रुप सी में रखा गया है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए है, तो इसमें बेसिकली दो डिपार्टमेंट है, सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, एक तो ये आपका डिपार्टमेंट रहेगा, एक रहेगा सीबीएन यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। ये दो डिपार्टमेंट है जिनके अंदर आपकी ड्यूटी लगने वाली है, ठीक है, जिनके अंदर आप जॉब करोगे। तो इन दो डिपार्टमेंट के लिए एसएससी हवलदार की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करवा रहा है। तो एसएससी हवलदार नहीं है बल्कि सीबीआईसी या सीबीएन हवलदार की ये पोस्ट रहने वाली है, ठीक है, इस बात को आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो इसमें सैलरी क्या मिलेगी, देखिए पे लेवल इसमें 1 रहेगा, 7th CPC के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। बाकी इसमें भी एसएससी एमटीएस की तरह ही सभी तरह की फैसिलिटीज मिलेगी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टीए डीए एचआरए जो भी फैसिलिटी होती है वो सब आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। काफी लोगों ने ये सवाल किया है कि सर ये कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या पुलिस कांस्टेबल से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये किस तरह की पोस्ट है। तो देखिए, अलग अलग नजरिया होता है सबका सोचने का, ये हवलदार की पोस्ट है। अब आप दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल बनो या हवलदार बनो, आपको पता है कि जो पुलिस कांस्टेबल की जॉब होती है उसके अंदर ड्यूटी 24 आवर्स रहती है यानी 24 घंटे में कभी भी आपको बुलाया जा सकता है और कोई भी काम आपको दिया जा सकता है। क्या उसी तरह इसमें काम करना पड़ता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें भी क्वालिफिकेशन 10th पास रखी गई है, 18 से 27 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है, और रिजर्वेशन कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी ये जॉब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आप एक अच्छे डिपार्टमेंट में काम करोगे और आपके लिए एकदम सेफ सुरक्षित जॉब रहने वाली है। इसके बाद में बात करें सिलेक्शन की, तो मैंने आपको इसके बारे में पहले वाले वीडियो में डिटेल से बताया है, रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, पीएसटी में क्या होगा, पीईटी में क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कैसे होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होगा, फीमेल के लिए कैसे होगा, मेल्स के लिए कैसे होगा, सभी तरह की जानकारी मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो इस वीडियो में वो चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, वो वीडियो आप देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ट्रेनिंग होती है या नहीं होती, जी हाँ ट्रेनिंग होती है, तो इसमें बेसिक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। वैसे बाकी जो डिपार्टमेंट होते हैं आर्म फोर्सेस वगैरह के, उनकी तरह ट्रेनिंग नहीं होती, बेसिक ट्रेनिंग इसमें भी आपकी होती है। प्रोबेशन पीरियड इसमें भी रहता है 2 साल का, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, 6 to 9 month की आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो इसमें रखा जाता है। वैसे कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं होती है, जैसे एयरफोर्स नेवी या आर्मी वालों के लिए होती है, वो ट्रेनिंग नहीं होती है, बेसिक ट्रेनिंग आपकी होगी जो कि आपके जॉब से रिलेटेड होने वाली है कि आपको किस तरह से जॉब करना है, कौन कौन सा आपको काम दिया जा सकता है, किस तरह से आपको अपनी ड्यूटी करनी है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड मैंने आपको बता दिया 2 साल का रहेगा। और हाँ, काफी लोग पूछ रहे थे यूनिफॉर्म जॉब है क्या, बिल्कुल इसमें यूनिफॉर्म आपको पहननी पड़ेगी, ये यूनिफॉर्म ड्यूटी है, ठीक है, यूनिफॉर्म में ही आपको ड्यूटी करनी है, जिस तरह से पुलिस कांस्टेबल की या आर्मी के जवान की यूनिफॉर्म होती है वैसे ही आपकी हवलदार की भी यूनिफॉर्म होगी।
प्रमोशन के बारे में भी काफी लोगों ने पूछा है कि सर प्रमोशन होगा या नहीं, तो प्रमोशन होगा लेकिन एक ही प्रमोशन होगा हेड हवलदार की पोस्ट के लिए, इससे ज्यादा इसमें प्रमोशन नहीं रखा गया है। हाँ सैलरी इंक्रीमेंट थोड़ा फास्ट आपको देखने को मिलेगा लेकिन प्रमोशन आपका हेड हवलदार की पोस्ट पर ही होगा जो कि आई थिंक 5 to 6 ईयर में हो जाएगा। 5 to 6 ईयर में आप हेड हवलदार बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ, तो जितने भी लोग आप देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी आपका व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उस पर वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। आगे दोस्तों हम बात करें इसकी जॉब प्रोफाइल की, काम क्या करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें आपको ग्राउंड ड्यूटी करनी होती है। ड्यूटी का टाइम अगर हम अप्रोक्सीमेटली बात करें तो कम से कम 8 अधिकतम 10 घंटे, तो 8 से 10 घंटे की आपकी जॉब इसमें ड्यूटी इसमें रहने वाली है और कोई भी मुश्किल ड्यूटी आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ हवलदार की पोस्ट है लेकिन जिस तरह से वॉचमैन की ड्यूटी होती है उस तरह की ड्यूटी आपको नहीं देखने को मिलेगी, एकदम आसान जॉब है और ज्यादा आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 8 से 10 घंटे मिनिमम 8 घंटे और अधिकतम कभी अगर वर्कलोड हो तो 10 घंटे तक आपको काम करना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी रेड पे गए हो और वहां पर टाइम लगता है तो हो सकता है आपकी आपकी ड्यूटी का टाइम थोड़ा इंक्रीज भी हो जाए। इसके बाद में आपको क्या करना, आपको ऑर्डर फॉलो करने, अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके ऑर्डर फॉलो करने। आपके ऑफिसर्स आपको कोई भी ऑर्डर देता है, कोई भी काम बताता है तो वो आपको करना होता है। इसमें आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा, यानी फील्ड में भी आपको जाना पड़ेगा और फील्ड में भी आपको ड्यूटी देनी पड़ सकती है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर कोई ऑपरेशन चल रहा है डिपार्टमेंट का और वहां पर आपकी ड्यूटी लग गई है तो वहां पर आपकी फील्ड की ड्यूटी है वो भी आपको करनी है, यानी ग्राउंड पर, फील्ड पर, बाहर साइड या ऑफिस के अंदर भी आपकी ड्यूटी हो सकती है। जैसे ड्यूटी ड्यूरिंग रेड्स, रेड्स के टाइम आपको ड्यूटी दी जा सकती है, वेट एंड वॉच ड्यूटी आपको दी जा सकती है। इस तरह की ड्यूटी भी दी जाती है हवलदार को कि आपको यहाँ पर रुकना है, देखना है, चीजों को समझना है कि क्या कुछ किस तरह से चल रहा है। ऑफिस ड्यूटी आपको दी जा सकती है कि ऑफिस में आप किसी सीनियर ऑफिसर के पास में आपको ड्यूटी दी जा सकती है ताकि आप उनके जो काम का जो वर्कलोड है वो आप कम कर सको, ठीक है। एज ए असिस्टेंट के तौर पर आप थोड़ा बहुत उनका काम कर सको, इस तरह की भी ड्यूटी आपको दी जा सकती है। और जरूरी नहीं है कि सभी को ग्राउंड की ड्यूटी मिले, ठीक है। कुछ ऐसे जो हवलदार भी होते हैं जो इनसाइड ऑफिस काम करते हैं, यानी उनको ऑफिस के अंदर ही ड्यूटी दे दी जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी क्षमता क्या है, उसके अनुसार ही आपको काम दिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक अब आपका कोई सवाल नहीं बचा है, अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपका जो भी सवाल हो उसका जवाब दूं। अगर आप SSC MTS या SSC हवलदार एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती रहती है। बाकी दोस्तों जो भी नई अपडेट होगी सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। आपका कोई सवाल है तो जरूर कमेंट करना और जल्द ही आपके लिए वीडियो सेशन रेगुलर में करने वाला हूं। ज्यादा से ज्यादा लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।